एवरीवन, मैं आशीष कुमार गुप्ता, ये मेरी बहन अनीशा। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल आशीष फिल्म्स में। और आज आपको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे वेस्टिज का शार्प एयर प्यूरीफायर, जो हर घर में रखना जरूरी है। और आज ही मैंने एक और मंगाया है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में आपको एक बार बता दूँ। तो मैं ना बताऊँगा इसके बारे में आपको बताएगी मेरी बहना, जो हम लोग अपना रक्षाबंधन स्पेशल में किए थे उसमें निपट गई थी। आज देखो ये वापिस आ गई है, तो आज यही आपको बताएगी कि वेस्टिज का शार्प एयर प्यूरीफायर कैसे काम करता है और कैसा है। तो बाहर से हम आपको बताते हैं दोनों भाई बहन मिलकर। तो पहले हमारी बहन स्टार्ट करेंगी, तो बताइए आप क्या क्या जानते हैं। क्यों कुछ नहीं जानते हैं? देखिए नाम लिखा हुआ है वेस्टिज शार्प एयर प्यूरीफायर, जो इसका है मॉडल नंबर क्या, FPJ30MB। ये मिलता है सिर्फ वेस्टिज में, बाहर और कहीं नहीं मिलता है। वेस्टिज से लेंगे तो आपको 3 साल का वारंटी है, लेकिन बाहर से लेंगे तो आपको 0 साल का वारंटी है। तो ये है इधर पे आपका ड्यूल एक्शन है, आप देख सकते हैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। तो इधर हमारी बहना आपको पढ़ के बताएगी, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, तो बताइए। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी रिड्यूस जर्म्स एंड ऑड्स के वायरस बैक्टीरिया ऑड्स एंड मोल्ड्स। तो आप समझ गए, वायरस बैक्टीरिया ऑड्स एंड मोल्ड्स जो हमारी जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो बना हुआ है वो उसको दूर करती है। और जो अंदर हेपा फिल्टर है वो क्या काम करती है उसके बारे में भी जरा बताओ। ये क्या लिखा हुआ है, पोलन डस्ट पेट डेंटर्स और स्मोक। पेट डेंटर्स क्या होता है आपको बताएं, तो जो हम अपने घर में जो हम पालतू जानवर रखते हैं, किसी घर में बिल्ली रहता है, कुकुर रहता है, तो वो सब जो सांस लेते हैं एक ही जगह फैल जाता है, वही इंसान भी है जानवर भी है, और एक दूसरे का हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उससे भी हम बीमार होते हैं। यहाँ तक कि स्मोक जो रहता है घर में, कोई कोई सिगरेट वगैरह पी लेता है, स्मोक करता है, तो उसका भी महक आता है, किसी का मोजा महकता है, तो वो भी आपका इससे दूर हो जाएगा। एसी तो सबके घर में है, लेकिन एयर प्यूरीफायर किसी के घर में नहीं है। तो आज आप भी एयर प्यूरीफायर अपने घर में रखें, ताकि आपको भी एक ताजा वातावरण आपको घर में महसूस हो और अपना ताजा हवा आप अपने इनहेल कर सको, पूरी नेचर वाली फीलिंग आती है इसको रखने से घर में। ये तो बात है ही है। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा आप समय को बर्बाद ना करते हुए तो खोलते हैं डब्बे को जल्दी जल्दी। तो शुभारंभ करेगी हमारी बहना अनीशा। तो काटिए, यहाँ से काटिए, ये कट गया। तो ये इधर पे अपना कट गया एक साइड, और फिर ये दूसरा साइड, यहाँ भी अपना जल्दी से काट देते हैं। ये जो डब्बा रहता है आपका एकदम टेपिंग के साथ पूरा फिक्स रहता है, आप देख सकते हैं इधर पे भी पिन ये लोग लगा रखा है, ताकि इसे कोई दूसरा आदमी खोले ना, इसे जो भी खोलेगा तो ये आप ही खोलेंगे, क्योंकि आप इसे मंगा रहे हैं। तो कैसे खुलेगा देख सकते हैं कितना बड़ा ये पिन लगा के लोग रखा है। तो और खोलते हैं, तो बहुत ही हार्ड कोटिंग के साथ ये सील्ड था, पैक्ड था, बहुत ही मेहनत करने के बाद हम लोग इसे खोल पाए। आप देख सकते हैं इसमें 4 पिन लगा हुआ है, जो इतने बड़े बड़े हैं, लगता है ये दादा होगा उसका पिन का। तो निकालते हैं मशीन को, तो यहाँ से हम पहले ये पुट्ठा निकालेंगे इसका थर्मोकॉल, फिर यहाँ से भी ये 2 सेफ्टी के साथ, और फिर बाद में ये है वायर। अब निकालते हैं मशीन को बाहर, तो ये आ गया मशीन बाहर। एक काम करते हैं, हम आपको नीचे रख के दिखाते हैं। तो अंदर में हमें ये सब मिला, एक आप देख सकते हैं ये मैनुअल मिला और वारंटी कार्ड मिला यहाँ पर, इसे रखते हैं साइड में।
पहले देख खोलते हैं मशीन को, तो मैं नहीं खोलूंगा इसे, मेरी बहन खोलेगी। यही उस दिन जीत करी थी। तो अब आप देख सकते हैं क्या लुक है हमारे एयर प्योरीफायर का, किस तरीके से दिखता भी है। देखने में भी लुक भी इसका बढ़िया है, पोर्टेबल है, हल्का है। अब ये तो डब्बे से निकल गया तो थोड़ा हल्का और भी हो गया, अच्छा लगा हमको देखकर। और बाहर साइड हम देखें, पीछे साइड तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर का दिया हुआ है। हम निकालते हैं पहले फिल्टर को, तो फिल्टर निकलेगा ऐसे। और ये आप देख सकते हैं पहला, फिर ये है इधर पे कार्बन फिल्टर, फिर आता है ये यहाँ पर अंदर में हेपा फिल्टर। आप ये तीन तरीके का देख सकते हैं, और अंदर में ये लगा है पंखा। तो अभी हम इसे थोड़ा सा चला कर भी इसे हम देख लेते हैं कि कैसे चलता है, क्यों देखे ना, चलो देखते हैं। हेलो गाइस, तो मशीन खोलकर डब्बे से मतलब निकाल कर हम चलाने के लिए अब रेडी कर दिए हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार चीज दिखाना चाहूंगा कि इधर पे क्या क्या है हमारे पास। यह है पहला फिल्टर, फिर ये आता है दूसरा, ये आता है तीसरा फिल्टर, ये कहलाता है हेपा फिल्टर, ये कहलाता है कार्बन फिल्टर। हेपा फिल्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इनसाइड लिखा हुआ है, इनसाइड एरो है, मतलब ये अंदर साइड, ये अंदर साइड रहेगा। तो हम इसको ऐसे लगाते हैं अंदर तरफ करके, ये लग गया। फिर आता है ये कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर वही है जो आपका जो डस्ट डस्ट पार्टिकल रहता है, जो आपका जो खास तौर पे जो रहता है वायरसेस जो रहते हैं उसको मार के भगाता है। वायरस रहता है, बैक्टीरिया रहता है, जो स्मेल रहता है वो सब दूर करता है। हेपा फिल्टर क्या करता है, आपका पोलन, डस्ट, पेट डेंजर, स्मोक, ये सब को दूर करता है। फिर आता है एक ये लास्ट वाला, इसे भी लगा देते हैं। और चालू करने से पहले मैं आपको अपने घर का पॉल्यूशन एक बार चेक करके एक बार बता देता हूँ कि मेरे घर में अभी पॉल्यूशन कितना है। तो मेरे घर में अभी जो पॉल्यूशन है वो 90-80 के बीच में है, आप देख सकते हैं 70 में आया है अभी। देखते हैं स्टेबल कहाँ पे जाके होता है, ये अभी 70 के आसपास है, देख रहे हैं 68, 69, 70, 67 इस तरीके से अभी आ रहा है ये 65 के, मतलब अभी ये 60 से ऊपर है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अनहेल्दी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अनहेल्दी लिखा हुआ है। तो अब इसको हेल्दी बनाते हैं, तो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो चालू करते हैं। मैं चाहूँगा अपनी बहन को यहाँ पे बटन दबाए, तो निशा ये वाला बटन दबाना। तो ये चालू हो गया है हमारा एयर प्यूरिफायर, यहीं पे हमारा देख सकते हैं जिस तरीके से ये रिड्यूस हो रहा है। पहले और पूरे घर में फैल जाने दीजिए, आप देख सकते हैं, मतलब जो पहले 60 में था 65 पे, अब देखो 59, 57 हो रहे हैं, 58 हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे पॉल्यूशन लेवल मेरे घर में से कम हो रहा है। क्यों देख 53, वाओ 53 इतने जल्दी हो गए, अब कितने होंगे देखते हैं, देखते हैं थोड़ा देर यूज़ करते हैं, इसे चलने देते हैं, फिर इसे और पता चलेगा क्या है कैसा है। ये देख सकते हैं अभी 50 आ गया है, 49, जहाँ 60 में था अभी 50 में आ गया, अब इसके बाद अब आएगा 40 में, ऐसा ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एयर प्योरीफायर चलता है, जो आपके घर में जो मौजूद हवा है उसे प्योरीफाई करता है। अभी हम महसूस कर भी पा रहे हैं, अगर मेरी माने तो मेरी बहन से भी पूछ लें कैसा लग रहा है।
अभी अच्छा लग रहा है। एयर प्यूरिफायर क्या करता है, जो ऊपर हवा देता है इसी को ये 360 डिग्री पे चला देता है। 360 डिग्री पे जब फैलाता है तो हवा क्या रहता है, जो उस कोने में जो हवा है मेरा, ऊपर से इस तरीके से हवा इधर पे आता है और ये यहाँ से अपना अंदर जाता है हेपा फिल्टर के थ्रू, और फिर बाद में वही हवा को फिर से प्यूरिफाई करता है। जो घर में हवा है उसी को अपना राउंड एंड राउंड करते रहता है और प्यूरिफाई करते रहता है। पीछे तरफ 32 क्या हो गया? तो अभी आ चुका है ये 30 में। कैसा लगा? अभी 40, 42, 41 जान देते हैं कितना जाएगा, 40, 40 कहाँ था, देखो 30 में आ गए। कम हुआ या नहीं हुआ आप खुद बताओ, कम हुआ या नहीं हुआ? कहाँ था 60, 65, कहाँ है ये 37? 35 से जब ये कम आ गया, 35 से जब ये कम आ गया, मतलब समझ जाइए घर में आपका शुद्ध हवा अब आ चुका है, अब आप उससे आप सांस ले सकते हैं खुल के। तो वेट करते हैं 35 तक का। 36, 35 भी आ गए, 33 आ गए। क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? 35, 36, 35 धीरे धीरे सब होंगे, और क्या चाहिए? वेट करते हैं। और अरे क्या हो गया यार? अरे भाई मारो मुझे, मजाक कर रही क्या? बताओ ये सब होता है यार। देखो दो आ गए, दो मतलब कि एकदम शुद्ध हवा निकल रहा है अंदर से। क्या चाहिए आपको? तो ये सब यहाँ पे होता है। अभी यही चीज़ मैं अपना दूर कर दूंगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन देखो बढ़ भी रहा है, देखो 15 हो गया। यही मैं मशीन के पास रख दूँ तो क्या हो जाएगा? अब यही मेरे घर पे 6 से 7 घंटे तक अगर चलते छोड़ दूँ, 5 घंटे तक चलते छोड़ दूँ, तो इसका क्या रिकॉर्ड आएगा आप खुद समझ सकते हो, देख सकते हो आप। इसमें 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको भी एयर प्योरीफायर चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे में मेरा नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप उधर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।